गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, एक्सरसाइज 17A, पेज नंबर 786 एंड RS अग्रवाल बुक. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5. तो 5 है, 5 में मेंशन कर रहा है कि कंडीशन दी है द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स. ओके, तो टू कोन्स की बात कर रहे हैं. हमने लिख लिया फर्स्ट कोन एंड हेयर सेकेंड कोन. फर्स्ट कोन के लिए लेट की रेडियस आर वन, सेकेंड के लिए रेडियस आर टू. ओके, नेक्स्ट है इसमें हाइट लेट करी हाइट एच वन, सेकेंड में लेट करिए हाइट एच टू. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना मेंशन करने के बाद अब क्वेश्चन ने जो कंडीशन दी है हम उसको लिख रहे हैं. क्वेश्चन कह रहा है तो पहले जो मिनिमम थिंग्स दी हो उसको लिखते हैं, जैसे हाइट का रेशो, रेडियस का रेशो, वॉल्यूम और CSA TSA जो भी होता है उनका रेशो, उनको बाद में यूज़ करते हैं. ओके, इसमें पहले वॉल्यूम सी है, बाद में दिया है रेशो ऑफ देयर डायमीटर्स 4:5. नाउ सिंस रेशो ऑफ देयर डायमीटर्स, इट मींस फर्स्ट का डायमीटर 2R1 रेशो 2R2 वो गिवन है 4:5. तो 2R1 अपॉन R2 मीन्स 2R1 अपॉन 2R2, इट मीन्स 4/5, 2 से 2 कैंसिल हुआ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4/5, इक्वेशन 1. ओके, नेक्स्ट कंडीशन दी है द हाइट ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 1:4. सिंस V1 रेशो V2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1:4. V1 मीन्स फर्स्ट वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, सिलेंडर का 1/3, रेशो का मीनिंग अपॉन हो गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू 1/4. 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर है तो R1/R2 पूरा दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं. वैल्यू होल स्क्वायर करी तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू H1/H2, H1/H2 इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया H1/S2 इक्वल टू 25/64. H1:S2 इक्वल टू 25:64. हमें हाइट का ही रेशो फाइंड करना था. ओके, इतनी बात समझ आ गई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. नोट कर लीजिए इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपने क्लास 9th में पढ़े. ओके, बस यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं. कॉम्बिनेशन में 2 फिगर्स आ जाएंगी, 3 फिगर्स आ जाएंगी, एक के ऊपर एक ज्वाइन हो जाएगा. ओके, नाउ तो 6, 7, 8, 9 सेम है. मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 है. नाउ अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप ऑफ हाइट 3 meter एंड अ कोनिकल अबव इट. क्या दिया हुआ है आपको? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. ओके, क्लियर? अगेन रीड. अ टेंट इज इन द शेप of right circular cylinder up to a height of 3 meter and a conical above it. इसके ऊपर एक क्या है?
कोनिकल पार्ट है। ओके, हमने इसको बीच में हाइट के लिए इसको जोर से ज्वाइन कर देते हैं और डायमीटर और रेडियस के लिए इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, और आप इसको भी ऐसे शेडेड किया करें, डैश डैश डैश। अब देखते हैं, द टोटल हाइट इज 13.5 मीटर। 10 की टोटल हाइट दी है, कितनी है? 13.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज, जो हाइट है कोनिकल पार्ट का, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ओके, कितना हाइट का? अ टेंट इज इन द सेम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। इट मींस जो हाइट दी है इसके पार्ट की, कितनी दी है? 3 मीटर। नाउ क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। रेडियस दी है इसकी 14 मीटर। देन क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ टू मेक द टेंट रेट। तो कितना कॉस्ट लगेगी? तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया में मीन्स सी एस ए फाइंड करना है इसका, उसके बाद इसका सी एस ए फाइंड करना है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। ओके, नाउ 13.5 दिए आपको, सो डायग्राम ड्रा करिए। ओके, जल्दी से। तो आई होप आपका डायग्राम बन गया होगा। तो नाउ सी, तो इसमें टू पार्ट्स हैं, कोन है और एक सिलेंडर है। तो हम लिख रहे हैं, ये बात ध्यान से कि पहले ये लिख दिया करो, इससे बहुत इजी रहता है। फॉर कोनिकल पार्ट एक तरफ लिख दिया, एंड फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट दूसरी साइड लिख दिया। ओके, कोनिकल पार्ट में तो देखो पूरी हाइट दी 13.5, ये 3 है तो इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। यस, एच वन 13.5 माइनस 3, इट मीन्स 10.5 इसकी हाइट आ गई। ओके, रेडियस आर दोनों में सेम है, ये 14 है तो ये भी 14 लगेगी, तो आर लिखा है ऐसे 14 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करते हैं, इसकी हाइट एस टू कितनी आएगी? 3 मीटर। ओके, ऐसा नो, रेडियस इसकी कितनी है? ये सेम लगेगी, 14 मीटर। इतनी बात में आ गई। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी है टेंट बनाने में, तो हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्लॉथ, और क्लॉथ कहाँ लगा है? इसकी सरफेस पे। सरफेस मींस इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ सिंस डायरेक्टली क्या करो, सेपरेट नहीं निकाला करो, रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर मेकिंग टेंट। ओके, तो क्या होगा, किसके कॉल होगा? यहां से देखते हैं, सी एस ए ऑफ किसका? कोन प्लस सिलेंडर, कोन प्लस सिलेंडर। तो कोन का सी एस ए क्या होता है? यस, पाई आर एल। ऐसा अनु, सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है? यस, टू पाई आर एच। अब हम देखेंगे कि हमें एल की नीड है, तो कोनिकल पार्ट में पहले हम एल को फाइंड कर लेंगे। यहां हमने फाइंड नहीं किया है, तो यहां हम फाइंड कर रहे हैं किसको? आर दिया है हमें 14, तो L फाइंड कर रहे हैं। सबसे मेन थिंग्स होता है इन क्वेश्चन में, L की वैल्यू टफ हो जाती है, इस वजह से क्वेश्चन टफ हो जाता है। ओके, वैसे ध्यान से करिएगा, देखिए H का स्क्वायर H1 है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर, अब आपको टाइम लगेगा तो शॉर्टकट सिखा रहे हैं कि अगर लास्ट में 5 आए तो उस 5 का स्क्वायर कर दो, 5 5 जा 25,
नेक्स्ट नंबर क्या है 10, इससे एक और नंबर ज़्यादा लो 11, और 10 और 11 की मल्टीप्लाई कर दो 110, और वो उसके आगे लिख दो, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर 5 होता है तो 5 से एक ज़्यादा 6, 5 से एक ज़्यादा 30 लिख देते। नाउ ये वैल्यू कितनी आ गई 110.25 प्लस, इसको हम कर देते हैं ऐसे पार्ट, प्लस आर स्क्वायर, आर 14 है, 14 का स्क्वायर यस 196। ओके, दोनों को प्लस किया वैल्यू आएगी हमारी 25.25, ऐसे ही आएगा 6, 9, 9, 1, 10, 1, 1, 2 and 3, 306.25। ओके, तो एक शॉर्टकट सिखा रहे हैं, अगर ये फिट हो जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट करना है तो 25 में 5, 306, एक और शॉर्टकट सिखा रहे हैं 306.25, ये किसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, 25, 5 किसके स्क्वायर में आ सकता है, 25 की जो लास्ट डिजिट है 5, किसके स्क्वायर में आ सकती है, 5 के स्क्वायर में 25 आएगा, तो 5 लिख लिया। स्क्वायर रूट में 2 नंबर कट, क्यूब में 3 नंबर कट होते हैं। 306 है, किसके स्क्वायर से कम होगा, 15 का स्क्वायर 225। ओके, 16 का स्क्वायर किया, फिर इसके बाद 17 का स्क्वायर किया, तो मे बी शायद वो 17 के स्क्वायर की वैल्यू के से कम आएगी। ओके, 289, ये शायद 17.5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए शायद यही आएगा। ओके, 17.5। तो नाउ आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई की वैल्यू कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखनी है, बहुत टफ हो जाता है, तो जो कॉमन है उसे कॉमन कर लिया, पाई आर एल क्या रह गया, एन प्लस 2h। ओके, एल प्लस 2h, तो नाउ पाई इंटू आर, ब्रैकेट में एल की वैल्यू यस 17.5 प्लस 2 इंटू h, h कितना है हमारा, अब h कौन सा लगेगा, ये h2 है सिलेंडर की बात, इंटू 3 कितना आ गया 22/7 पाई, अगर 3.14 दिया है तब लगाना है, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लगानी है। आर 14 इंटू ऐड किया 17.5 प्लस 6, 7 × 2 = 14 मल्टीप्लाई किया, नाउ मल्टीप्लाई ऐसे किया करें, अभी मैं इसकी 44 से मत करना क्योंकि आपको टफ हो जाएगी, हम ओरल कर देंगे, ऐसे ओरल सिखा रहे हैं, तो प्लस किया 0.5 ऐसी 323, यस और नो। ओके, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 7 एंड 2 × 2 = 4, 47 आ गया, यस और नो। नेक्स्ट, अब 22 की मल्टीप्लाई कर दिए, 22 × 7 = 154, 15 कैरी, 22 × 4 = 88, 88 प्लस कर दिए 1034। ओके, 22 × 7 = 154, 4 = 15 carry एंड 22 × 4 = 88 में प्लस किया, ठीक है, बाकी सब ठीक है, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, इतना हमारा क्लॉथ लगाए, इट मींस मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्लॉथ बेस में तो लगा नहीं होगा, यहाँ पर तो सब खाली होगा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट दिए, तो कॉस्ट पूछ रहा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टेंट रुपीस मे बी 80 दिया हुआ है, चेक करते हैं कि 80 दिया हुआ है, यस 80 पर स्क्वायर मीटर, यूनिट याद रखना, तो मीटर स्क्वायर में आ रहा है 80 इंटू
1034 मल्टीप्लाई करी 84 जा 32 3 कैरी 83 जा 24 7 2 कैरी 2 यहां आ गया 8 1 जा 8 एंड 0 ये 0 ये आपका रिक्वायर्ड कॉस्ट निकल के आ गई। ओके तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं तो आपको कंप्लीट करने हैं अप टू क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 10 तो अप टू 13 तक करिएगा। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।